नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। डिजिटल युग में डीप फेक एक बड़ा खतरा बन चुका है। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना सहित दुनिया भर की कई बड़ी हस्तियां डीप फेक तकनीक का शिकार हो चुकी हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे कि डीप फेक क्या है, कैसे ये काम करता है। ताज़ा मामला हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गंभीर विषय माना है और खुद वो डीप फेक का शिकार हुए हैं। थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने ज़रूर कहा, लेकिन इसकी गंभीरता को वो बयां कर गए और उन्होंने कहा कि ये समाज में अराजकता फैला सकता है और विध्वंसकारी हो सकता है। इसलिए आज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि डीप फेक कितना बड़ा खतरा, निपटना कैसे है। खास मेहमानों के साथ चर्चा, पहले ये रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के दौर में हम जो देख सुन रहे हैं वो शत प्रतिशत सच हो ये जरूरी नहीं। डीप फेक इसका एक बड़ा उदाहरण है। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डीप फेक तकनीक को हथियार बनाकर किसी की इमेज को खराब करना, किसी के बारे में दुष्प्रचार करना और अफवाह फैलाना अब आसान हो गया है। डीप फेक का खतरा अब इस कदर बढ़ गया है कि पीएम मोदी को भी इसको लेकर चिंता जतानी पड़ी। पीएम मोदी ने इसके खतरे को देखते हुए कहा कि समाज में इसे लेकर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। हाल ही में डीप फेक सुर्खियों में तब आया जब एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इसका शिकार हो गई। सदी के नायक अमिताभ बच्चन ने डीप फेक के खतरे को लेकर लोगों को आगाह किया। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर कौन सी बला है ये डीप फेक। दरअसल डीप फेक एक ऐसी तकनीक है जिसमें वीडियो, ऑडियो या तस्वीरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से न केवल एडिट किया जाता है बल्कि इसमें ऐसा हेर फेर कर दिया जाता है कि असली और नकली की पहचान करना ही मुश्किल हो जाए। ये 21वीं सदी का हाई एंड फोटोशॉपिंग टूल है। इसमें एनकोडर की मदद ली जाती है। एनकोडर के काम को भी समझना होगा। दरअसल ये तस्वीरों को एडिट करने के लिए दो चेहरों के बीच समानता लाने का काम करता है। इस काम में एल्गोरिदम यानी कि डीकोडर का इस्तेमाल होता है। तस्वीरों की आवाज, चेहरे, हाव भाव में इस बदलाव को पकड़ना आसान नहीं होता और इसे ही डीप फेक कहते हैं। अभी तो केवल डीप फेक के जरिए तस्वीरों से छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके खतरे को भांपा नहीं गया तो आने वाले दिनों में ये और घातक साबित हो सकता है। ऐसे में इसके संभावित खतरों को समझना जरूरी है। सवाल ये भी है कि आखिर डीप फेक ऑडियो वीडियो को कैसे पहचाने। ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। कुछ ऐसे संकेत हैं जो डीप फेक की पहचान में मदद कर सकते हैं। जैसे डीप फेक की तस्वीरें कुछ धुंधली दिखाई देंगी, खासकर स्किन और बालों पर गौर करने से ये पता चल पाएगा कि ये असली है या नकली। वहीं एल्गोरिदम से तैयार डीप फेक वीडियो और ऑथेंटिक वीडियो की लाइटिंग्स में भी मामूली फर्क हो सकता है। कई बार डीप फेक वीडियो की आवाज असली वीडियो की आवाज से मैच नहीं होती, इससे भी डीप फेक वीडियो को पकड़ा जा सकता है। वहीं जिस व्यक्ति का वीडियो अपलोड हुआ है क्या वो उस व्यक्ति के विचारों और भावनाओं से मेल खाते हैं, ये भी समझना जरूरी होगा ताकि डीप फेक वीडियोस को पहचानने में कामयाबी मिल पाए। आखिर में वीडियो के सोर्स पर जरूर जाएं, जाने कि वीडियो किसने अपलोड किया, किस प्लेटफॉर्म से वीडियो को पोस्ट किया गया है। बारीकी से और सावधानी से अगर जांच पड़ताल की जाए तो आसानी से वीडियो डीप फेक है या नहीं ये पता लगाया जा सकता है। फिलहाल ये AI से जुड़ा एक बड़ा खतरा है जिसे लेकर सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है। साथ ही जरूरत है सतर्क और सावधान रहने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित दुबे, क्वांटम एंड AI एक्सपर्ट हैं, जाने माने हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत अमित जी आपका हमारे साथ हैं। विराग गुप्ता जाने माने एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल कार्यरत। बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका भी हमारे शो पर। अमित जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। पिछली बार और लगातार हमने आपसे डीप फेक और AI के बढ़ते खतरों पर बात की है। अब स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो खुद इससे ग्रसित हैं। हल्के फुल्के अंदाज में जरूर कहा हो लेकिन गहराई इसकी कम नहीं की जा सकती और वो खुद कह रहे हैं कि इस पर अगर लगाम नहीं लगाई गई तो ये विध्वंसकारी हो जाएगा समाज के लिए। अब करें तो करें क्या, जब बात आती है विराग जी बताएंगे 66E IT Act 2000, ये ऐसा लगता है कि बच्चे बच्चे ने रट लिया है, लेकिन सवाल ये है कि ये 66E IT Act 2000 क्या डीप फेक के खतरे को रोक पाएगा। पहले आप, प्रधानमंत्री के मुंह से बात निकल चुकी है, कितनी दूर तक जाएगी?
नहीं देखिए, इसके खतरे हमने पहले भी बताए हुए हैं, ये बहुत सीवियर सिचुएशन है, खास तौर से जब ये सिर्फ किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट का मामला नहीं है, ये इंडस्ट्रीज़ को कलेप्स कर सकता है, ये फेक न्यूज़ क्रिएट करके इलेक्शंस प्रभावित कर सकता है, ये कई कई सारी पॉलिसीज़ को इम्पैक्ट कर सकता है, तो बहुत सारे जजमेंट इफेक्ट कर सकता है, बहुत कुछ इसका इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि लोग वीडियोज़ पर ट्रस्ट करते हैं, और जिस तरह के वीडियोज़ अभी तक हम देखते थे उसमें क्या होता था कि किसी और का वीडियो है और फेस रिप्लेस किया गया, अभी जो वीडियो आ रहे हैं उसमें पूरा का पूरा वीडियो नया क्रिएट हो जाता है, तो इस हद तक AI अब इफेक्टिव हो गया है कि उस तरह का कोई दूसरा वीडियो होगा भी नहीं, और उसके बाद ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पता करना कि ये एडिटेड है या ओरिजिनल है, तो AI की पावर दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अभी पिछले एक साल में हमने देखा कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हमने ऑडियो क्लोनिंग के केसेस सुने जिसमें ऑडियो लोगों की आवाज़ में लोगों को कॉल आए, पैसे लूट लिए गए, फिर हमने वीडियो के थ्रू लोगों को थ्रेटनिंग करने के मामले सुने, अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि जब बात शीर्ष लेवल पर पहुंच गई है तो डेफिनेटली इसको और सीरियस लेने की ज़रूरत है, और हमने हमेशा से कवायद की है कि एक फ्रेमवर्क लाने की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये एक साल पहले आ जाना चाहिए था, हम ऑलरेडी लेट हैं, डेटा प्रोटेक्शन बिल भी हमारा इतना लेट हो गया और उसका हमने नुकसान सहा है, क्राइम बहुत बड़ा है इंडिया में, यदि ये डेटा प्रोटेक्शन बिल लेट ना होता तो शायद साइबर क्राइम पर लगाम भी लगाई जा सकती थी, जो नहीं लगी समय रहते और काफ़ी ज़्यादा वृहद स्तर पर फैल गया, 35-40 हॉटस्पॉट बन गए। अभी जब तक हम ये लॉ लाएंगे, जब तक रेगुलेशंस लाएंगे, जब तक हम जो OEM से उनको रेगुलेट करेंगे कि जितने भी ऐसे, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपको एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट चाहिए, जो क्लाउड से ले लेते हैं लोग, $10 per hour या $20 per hour पर मिल जाता है, 7-8 घंटे की प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद 1-2-3 मिनट का वीडियो क्रिएट होता है, तो इसमें जो भी इस तरह के रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो क्लाउड हो, चाहे वो एडिटिंग टूल हो, चाहे वो AI ट्रेनिंग कंपोनेंट्स हो, उनकी भी जवाबदेही तय करनी होगी कि वो KYC करें कि कौन उसको यूज़ कर रहा है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, इससे किस तरह का वीडियो बनाया जा रहा है, क्या ये एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो है, क्या उस पर आप मार्कर लगा रहे हैं कि ये डीप फेक है या नहीं, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने सलाह दी है कि यदि इस तरह का कोई वीडियो आए तो उस पर आप लिख दीजिए कि ये डीप फेक क्रिएटेड है या ओरिजिनल नहीं है, तो एंटरटेनमेंट पर्पज़ से भले ही लोग उसको यूज़ कर लें पर उसका इम्पैक्ट सीरियस नहीं होना चाहिए और उसके लोगों की मानसिकता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, तो वो सारे रेगुलेशंस लाने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद लॉग रखें कि किसने कब क्या क्या किया था, ताकि कल के दिन यदि कोई मिसयूज़ होता है तो पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंच सके जिसने वीडियो क्रिएट किया, आज तो ये पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है, वीडियो वायरल हो चुका है, अब ओरिजिनल उसका सोर्स कहां से आया था ये पता करने में बहुत वक्त लगेगा और इतना आसान भी नहीं है, तो इम्पैक्ट हो चुका होता है, लोगों की लाइफ प्रभावित हो जाती है, यहाँ तो चलो सेलिब्रिटीज़ थे तो उन्होंने डिनाइल कर दिया, तुरंत एक प्रेस रिलीज आ गई तो क्लियर हो जाता है, एक आम आदमी के संग ऐसा होता है तो पेपर में न्यूज़ भी नहीं दे सकता कि भाई ये गलत है वीडियो, एब्सोल्युटली ज़्यादा सीरियस है, और जब तक लोगों को समझ में आता है कि ये डीप फेक है तब तक वो अपना काम कर चुका होता है। हमारे साथ दीपिका सिंह भी जुड़ चुकी हैं, जानी मानी साइबर एक्सपर्ट हैं और CEO हैं डीप साइट्स की, बहुत बहुत स्वागत है दीपिका आपका भी। विराग जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है, शुरू शुरू में आते थे इस तरह के वीडियोज़ तो लोग एंटरटेनमेंट के हिसाब से देख लेते थे और कभी कभी चौंक भी जाते थे कि भाई ये क्या हो गया, लेकिन अब बात फॉल्स इन्फॉर्मेशन से इमेजरी और पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक परसेप्शन को बदलने की आ रही है। ज़ेलेंस्की का वीडियो हम नहीं भूल सकते जिसमें अपने लोगों को हथियार डालने की बात कह रहे थे, टर्किश इलेक्शन में हमने देखा कि कैसे डीप फेक का इस्तेमाल किया गया, पकड़ में ही नहीं आ रहा था, डोनाल्ड ट्रंप के डीप फेक वीडियोज़, जो बाइडन के डीप फेक वीडियोज़, तमाम इंटरनेट भरा पड़ा है। हमारे यहाँ गनीमत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गरबा वाला और उनके गानों वाला डीप फेक वायरल हो रहा है, अगर कोई बड़ी बात हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कहाँ तक असर करेगा, ऐसे में करें तो करें क्या, ले दे के हमारे पास वही IT Act 2000। सर विराग जी, दीपक जी, ये जो मर्ज है दिख रहा है सामने, पर इस मर्ज की बैकग्राउंड बहुत बड़ी है, और जो फेक न्यूज़, फेक चीज़ों का कारोबार है वो 200 सालों से चल रहा है, इसीलिए ट्रेडमार्क रिलेटेड, कॉपीराइट रिलेटेड कानून बने, इसीलिए IPC में प्रावधान हैं, और साइबर जगत में उनका नए तरीके से प्रयोग हो रहा है, ये बात नई है। तो हमें इस साइबर जगत में जब हम डीप फेक की बात कर रहे हैं तो ये बहुमंजिला इमारत है और जिसके कंगूरे अब देख करके परेशान हो रहे हैं, जब तक उसकी जड़ से, जिसको बोलते हैं कि कैंसर का जो मेन कारण है उसको नहीं एड्रेस करेंगे, तो पहला कारण है कि जो हमारा डेटा चोरी का कारोबारी सिस्टम है जिसके बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर डीप फेक बनाया जाता है, जिसको कि लगाम लगाने के लिए कोई, भारत में अभी अमित जी बोल रहे थे कि डेटा सुरक्षा कानून बन गया है,
संयोग से दुर्योग से कानून बनने के बावजूद अभी कानून और नियम लागू नहीं हुए हैं। संसद से पारित हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, पर उसके नियम अभी तक लागू नहीं हुए हैं। पहली बात, डेटा चोरी से ही पूरा काम हो रहा है तो उसका कोई कानून नहीं है। दूसरी बात, जितने फर्जी अकाउंट्स हैं जिसके बेसिस पर इसका प्रसारण होता है उन पर हमारे पास उसका वो नहीं है कि 30% 40% फेसबुक में इंस्टाग्राम में फर्जी खाते हैं उनको कैसे रोका जाए। तीसरे नंबर पर बार बार बोला जाता है कि सोशल मीडिया कंपनियों से बैठक हो रही है 36 घंटे में वो कार्रवाई करें, पर 36 घंटे में कैसे कार्रवाई करें, क्योंकि कार्रवाई करने के लिए तो वो बोलती हैं कि आप सरकार का आदेश लेकर के आइए या कोर्ट का आदेश लेकर के आइए। तो अब सारे लोग रश्मिका की तरह इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं कि दिल्ली पुलिस खुद ब खुद उनके खिलाफ़ FIR दर्ज कर ले। तो ये तीसरी बात है। चौथी बात कि गूगल में आसानी से सारे वो ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं जिसके बेसिस पे आप डीप फेक बना सकते हैं। अब यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल चालू होता है, क्योंकि जो बात पहले फुटकर तरीके से होती थी अब वो बड़े ही तेज़ तरीके से होने लगी है, बड़े ही ऑथेंटिक तरीके से होने लगी है। तो हमें ऐसा लगता है कि इस मर्ज को समझे बगैर सिर्फ ऊपरी तरीके से अगर इसको एड्रेस करने की कोशिश की गई तो जिस तरीके से दूसरे मर्ज लाइलाज हुए हैं उसी तरीके से ये मर्ज भी लाइलाज हो जाएगा। और बहुत कुछ ज़्यादा कानूनी एजेंसियों के पास, क्योंकि इसमें दो तीन बड़ी बातें हैं। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बैठक की, लेकिन क्या वो कंपनियों में भारत के लोग थे विदेश के लोग थे? क्योंकि जब पुलिस चिट्ठी लिखती है तो पुलिस विदेश के लोगों को। मैं विराट जी इस पर आऊँगा अलग से, क्योंकि डीप फेक पर सरकार ने बातचीत भी करी है और बुलाया भी, अभी सोशल मीडिया कंपनीज को दोबारा भी बुलाया है, लेकिन उनसे बातचीत में मिलेगा क्या, थोड़ा सा इस पर मुझे समझना है आपसे कि एग्जैक्टली क्या क्या बातें उनसे हो सकती है। लेकिन दीपिका जी, मैं आपके पास आऊँगा, आप भी इसको बहुत अरसे से देख रही हैं, इन्वेस्टिगेशन आपकी टीम कर रही है और एजेंसीज के साथ मिलकर कर रही है, मुझे ये बताइए कि मैं इस समय आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इस बात का प्रमाण क्या हो कि ये डीप फेक नहीं है? आज की स्थिति में तो ये ऐसे ही सवाल पूछना पड़ेगा। क्या हो एक आम आदमी को जागरूक रहने के लिए, क्या कैसे पता करे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं ही बोल रहा हूँ, किसी ने मेरी बात को अल्टर करके आवाज़ का डीप फेक ऑडियो और वीडियो बनाकर नहीं डाला हुआ है? जी जी, तो जैसे हमने इन्वेस्टिगेशंस के टाइम पर भी देखा है कि AI का जवाब AI द्वारा, जितनी भी ये इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज है ये हमारे फेस के वेक्टर्स के छोटे छोटे पिक्सल्स की स्टडी करके, हमारे वॉइस ऑडियो के छोटे छोटे सैंपल कट्स लेके उसको बहुत ही बखूबी से स्टिच करती है, इतनी अच्छी से कि मशीन से भी कभी कभी गलती हो जाती है उनसे पहचानने को। तो इस पर अगर हम यहाँ पे शक जताएं तो जितने भी हमने फ्री AI डिटेक्शन टूल्स देखे हैं, क्योंकि एक विजिबल आई या एक नेकेड आई को यहाँ पे देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जितने भी टूल्स हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने बनाए हैं या के अडोबे या MIT लैब्स या जितने भी हमारे प्रिडिक्टिव टूल्स बनाए हैं, वहां से अगर हम चेक करें कोई भी वीडियो के बारे में। पर इस पे मैं एक मुद्दे पे आना चाहूंगी जो कि है प्राइवेट मैसेजिंग का मुद्दा। अभी तक जितने भी हमने डीप फेक वीडियोस देखे हैं वो देखे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो पब्लिक दायरे में आते हैं, पर प्राइवेट मैसेजिंग का क्या? अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें पता चल जाता है कि किसी ने ये वीडियो इस यूजर अकाउंट से अपलोड की है, पर लेट्स से व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में या जितने भी हमारे प्राइवेट मैसेजिंग एप्स है, इस पर से कोई भी वीडियो वायरल हुई उसका हम सोर्स कैसे निकाले? क्योंकि जैसे एडवोकेट सर ने भी कहा कि हम जो चिट्ठियां लिखते हैं या जो लॉ एनफोर्समेंट चिट्ठियां लिखती है, जो लीगल केसेस के दौरान जो भी पेपर वर्क होता है उसमें कम से कम डेटा ही हमें मिला जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर बेस्ड आउटसाइड इंडिया और प्राइवेसी कर्टन के तहत ये हमसे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं। तो अगर हम ना कि सिर्फ पब्लिक डेटा जो भी शेयर है उस पर डीप फेक टेक्नोलॉजी के डिटेक्शन पे फोकस करें, बट प्राइवेट टेक्नोलॉजीज ऑल्सो। दूसरा मुद्दा मैं टच करना चाहूंगी जो कि IT एक्ट में था, सेफ हार्बर क्लॉज। सेफ हार्बर क्लॉज ये 2000 से चला आ रहा है, बहुत टाइम लोगों ने कोशिश भी की सेफ हार्बर क्लॉज को हटाने के लिए, क्योंकि उसमें ये एक हार्बर देता है, एक सेफ हेवन देता है सोशल मीडिया कंपनीज को अगेंस्ट एनी लायबिलिटी, कि आप पे अगर कोई भी अपलोड करे कंटेंट या कुछ वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। पर अभी जो सेफ हार्बर क्लॉज में मॉडिफिकेशन आ रहे हैं वो यही है कि अगर सोशल मीडिया कंपनीज उस डेटा को, उस कंटेंट को हटाने से
अगर वो नहीं करते हैं उसमें तो सेफ हार्बर क्लॉज उन पे लागू नहीं होगा। अगर वो बात नहीं मानते हैं, अगर वो रिपोर्टिंग के बावजूद भी 36 घंटे या जितने भी उनके जो डेडलाइंस होती है उस पे करेक्ट एक्शन नहीं लेते हैं, और उस करेक्ट एक्शन ना लेने की वजह से अगर किसी के जीवन पे बन आए, तो जरूर सोशल मीडिया कंपनीज को सेफ हार्बर से दूर रहना चाहिए। एब्सोल्युटली, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए अभी तो एआई बूम ही है, अभी तो उभर ही रहा है, नई नई चुनौतियाँ, अमेरिका का 2024 के इलेक्शंस को कहा जा रहा है कि एआई बूम के इर्द गिर्द ऐसा ये कोलाइड हो चुका है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करेगा, अमेरिका में ये हाल है, तो अब अगर हमारे देश में इस तरह के आ जाए तो फिर कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा, एक तो कानून पुराने हैं, जो नए बने हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, और उनमें भी ऐसे कई प्रावधान हैं जो शायद स्पष्ट रूप से एआई और डीप फेक के लिए ना बने हों। ये सिर्फ एक चिंता भर है, लेकिन इस चिंता को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम डीप फेक के असली प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाए। तो डीप फेक के बहुत ज़्यादा डीप खतरे हैं, शुरू शुरू में एंटरटेनिंग लग रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, इसकी डीपनेस बढ़ती जा रही है, चिंताएं सबके मन में, चिंताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में भी दिखाई दी, और इसीलिए हमने सोचा कि आज इस पर चर्चा करें। पहले भी हमने की है, लगातार इस इश्यू को उठाया है, जिस वक्त लोगों को बड़ा एंटरटेनिंग लग रहा था हम तब भी बात कर रहे थे कि ये खतरा बन सकता है, हम आज भी बात कर रहे हैं जब खतरा आप सबके सिर पर मंडरा रहा है। अमित जी, लेकिन अब सवाल ये होता है कि गवर्नमेंट ने भी, चलिए देर से ही सही, बिल्कुल सही कहा आपने भी और बाकी सब ने कि भाई रश्मिका मंदाना जी के साथ ऐसा हो गया, पीछे से अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दिया तो फिर सब जागृत हो गए, सब रातों रात जाग गए, फिर सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी और कहा कि साहब 24 घंटे के, हालांकि ऐसा कोई नई बात कह दी हो सरकार ने, मेरे को तो समझ में नहीं आया, 24 घंटे के अंदर कॉन्टेंट हटाइए, ये तो पहले से कहा गया होगा इनको, और नहीं कहा गया तो फिर कहा क्यों नहीं गया, नंबर वन। दूसरा, कितना भरोसा करें सोशल मीडिया कंपनीज पर, इन्होंने ही तो ये पूरा का पूरा भस्मासुर तो नहीं कहेंगे, वो अलग किस्सा हो गया, लेकिन ये पूरा का पूरा जो दैत्य है डीप फेक का, ये उन्होंने ही बोया है, बनाया है। स्नैपचैट पर आप चले जाइए, बड़ा मज़ा आता है लोगों को आजकल, किसी की फ़ोटो लगाइए, उसकी फ़ोटो तुरंत उसी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, बड़ा मज़ा आता है लोगों को, और ये स्पेशल फीचर है। तो जो टेक्नोलॉजी इन सोशल मीडिया कंपनीज की स्पेशल फीचर हैं, ये उन पर कार्रवाई कैसे करेंगी, कैसे यकीन करें इन पे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जैसा कि आपने कहा कि कोई भी टेक्नोलॉजी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है, यदि आप कोई ऐसी फैसिलिटी सामने वाले को दे रहे हैं कि वो किसी का फेस चेंज कर दे किसी पिक्चर में, या आपका बैकग्राउंड बदल दे, जो है आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के एडिशनल फीचर्स अवेलेबल हैं, प्लग इन फीचर्स हैं, जो आमतौर पर AI इन्वॉल्व है, जिसमें डीप फेक नहीं कहेंगे तब भी काफ़ी हद तक AI इन्वॉल्व है, डीप फेक उसको एक लेवल ऊपर लेके गया है, लेकिन ये सारे फीचर की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, फेक न्यूज़ फैलती है, कुछ भी कहीं कभी भी किसी को दिखा दिया जाता है, अभी तक फ़न के लिए लोग यूज़ कर रहे थे, अब उसको स्ट्रैटजी के तरह भी यूज़ करते हैं, और ये आपने देखा कि US में भी जो उनके पिछले प्रेजिडेंट थे उनके हजारों ऐसे वीडियोज़ पड़े हैं जिनको आप देख के कह ही नहीं सकते कि वो फेक हैं, और एक ओपिनियन बन जाता है कि वो ऐसी हरकतें करते होंगे या उनका इस तरह का व्यवहार होगा, जो एक गलत ओपिनियन बन जाती है। उसी तरीके से अभी आप देखोगे तो एक MP इलेक्शन के पहले एक वीडियो वायरल हुआ KBC पर, जो अमिताभ जी एक सवाल पूछ रहे हैं और वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के चीफ मिनिस्टर के नाम से सवाल पूछा जा रहा है कि उन्होंने कितने किसानों को कर्जा माफ़ किया, और ऐसा सवाल कभी KBC में पूछा भी नहीं जा सकता, ओबियस है कि बड़ा क्लियर एक बायस्ड वो दिखता है, लेकिन ऐसा हुआ और वो वीडियो बिल्कुल देख के नहीं लगता कि उसमें कुछ भी एडिटेड है या गलत हो सकता है, और उसका इम्पैक्ट भी लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि लोग जब सोचते हैं उसका एक इनडायरेक्ट तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, तो इसका सीधे सीधे नुकसान हर लेवल पर हो रहा है, इंडस्ट्रियल लेवल पर भी हो रहा है, कई लोगों के जो प्रोडक्ट मार्केटिंग है उसको भी डिफेम करने में यूज़ हो रहा है, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे आए हैं, मेरे पास करीब अभी 20-25 ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं अलग अलग लेवल पर अलग अलग कंपनीज के, तो ये मामला ऑलरेडी उस स्तर पर जा चुका है, लोगों को पता नहीं, क्योंकि जाते हैं, जैसा आपने कहा कि IT एक्ट के 2 प्रावधान हैं, इंपर्सोनेशन, आइडेंटिटी थेफ्ट, उसी में कंप्लेन होती है, उसमें भी सज़ा कोई खास है नहीं, 3 साल की सज़ा, एक जो 1,00,000 का जुर्माना है उस पर भी अवेलेबल है, तो कुछ खास इम्पैक्ट होगा नहीं, आप किसी को जब तक उस हद तक स्ट्रॉन्ग लॉ के अंदर नहीं लाएंगे कि किसी ने भी ऐसा वीडियो बनाया तो उसकी जिम्मेवारी कहाँ तक है, क्योंकि उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है।
ये सिंपल आइडेंटिटी थेफ्ट बिल्कुल नहीं है, इससे पूरा इकोनॉमी हिल सकती है, ट्रस्ट हिलता है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हिल जाती हैं, और जो लाखों मतलब करोड़ों रुपए लगाकर इंडस्ट्री खड़ी की गई वो एक दिन में ध्वस्त हो जाती है। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें आपने उस लेवल पर समझनी होंगी और लॉ के अंदर लानी पड़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए अब इस पे एक और पेंच है विराग जी, एक और पेंच ये है कि एक तो इसका सिरा मिलता नहीं, डोर उलझी हुई है, दूसरा ये मामलों को और उलझा देगा। हमने देखा एक पूरी की पूरी बयार आई, डॉक्टर्ड वीडियोज हैं साहब, अच्छा खासा जानते हैं कि फला आदमी ने ही बयान दिया है, लेकिन वो कह देता है साहब ये तो डॉक्टर्ड है, अब आप करते रहिए उसका लैब में परीक्षण। अब डीप फेक के साथ भी यही होगा, कोई भी कह देगा नहीं साहब मैंने तो नहीं बोला ये तो मैं हुई नहीं, ये तो डीप फेक है, अब आप परीक्षण करते रहिए, मामला उलझ गया। तो ये तो लॉ को भी उलझा देगा आगे अगर हमने सही से नहीं किया इसको। दीपक जी आप कुछ पहले मजाक कर रहे थे कि भस्मासुर वाली बात, तो उसके लिए सही शब्द है रक्त बीज। रक्त बीज, जितने भी रक्त की होंगे तो उससे एक नया राक्षस पैदा होगा, सोशल मीडिया रक्त बीज है। अब मैं उसी में एक पौराणिक कहानी एक बताता हूँ। एक शंख चक्र नाम का एक राक्षस था और उसकी जो पत्नी थी वृंदा थी, और उसको एक श्राप और एक उसको वरदान था, और उसको काटने के लिए फिर भगवान विष्णु का अवतार लेना पड़ा, और फिर अंत में जो वृंदा है और वो उसके आधार पर तुलसी पर वो मनाया जाता है। तो वो किस तरीके से भगवान उसका अवतार उसका रूप बना करके गए थे, तो वो उस जमाने से कल्पना है, उस कल्पना को विज्ञान ने सत्य साबित किया है। तो हमें पहले देखना है कि जब फेक के खिलाफ ही कोई कानून नहीं है, फेक के खिलाफ कोई रेगुलेशन नहीं है, फेक के खिलाफ कोई व्यवहारिक व्यवस्था नहीं है, तो आप डीप फेक से कैसे लड़ सकते हैं? एडवांस स्टेज से नहीं लड़ सकते जब तक बेसिक को आप चैलेंज नहीं करें। अब तीन मुद्दे हैं जो आप तीनों ने बात की। पहले मुद्दे जो दीपिका जी ने बोला कि सेफ हार्बर वाली बात, सेफ हार्बर वाली बात बिल्कुल थ्योरिटिकल है, और अगर सेफ हार्बर की सुविधा को ख़त्म कर दिया जाए तो इंटरनेट की पूरी अर्थव्यवस्था ढह करके गिर जाएगी। और सेफ हार्बर की बात को जब ट्विटर का मामला आया था बंगलौर हाई कोर्ट में, उस समय उस पर चैलेंज करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि सेफ हार्बर अपने आप में कोई उनको दोषी नहीं ठहराता है, सेफ हार्बर के बाद उनकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है और आपको उनको प्रोसिक्यूट करना पड़ता है, जो भारत जैसे देश में न्यायिक व्यवस्था में उसमें कई दशक लग सकते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात जो उन्होंने बोली कि हमारे पास नियम कायदे कानून या सोशल मीडिया कंपनियों के साथ जो बातचीत है जो आपने बोली, सवाल इस बात का है कि सोशल मीडिया कंपनियों से जब हम बात करते हैं तो किससे बात करते हैं? क्योंकि भारत की जो कंपनियां हैं या तो शिकायत अधिकारी हैं या भारत की कंपनियां सिंपली मार्केटिंग कंपनियां हैं, लेकिन जो मेन कंपनी है वो तो अमेरिका में बैठी है, और इसीलिए पुलिस को या खुफिया एजेंसियों को जब भी कोई जानकारी चाहिए होती है तो उनको विदेश में जानकारी करनी पड़ती है। इसलिए भारत में इन कंपनियों के साथ मुलाकात जो जिम्मेदारी ही नहीं ले रहा है, अथॉरिटी सारी इस्तेमाल कर रही हैं, वो 100% सब्सिडरी कंपनी है, ये दूसरा एक किस्म का इन कंपनियों का, ये कंपनियां सरकार कानून और सबको एक धोखा दे रही हैं समाज को। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि जब हम बोलते हैं कि हमारे पास, हाँ अब विराग जी आपने सही कहा, मुझे लगता है ये जो जिस तरह से सही लोगों को सामने ना रखते हुए सरकार के सामने कहते हैं हाँ साहब हमने सुन लिया, और इधर से सुना और इधर से निकाल भी लिया, कानून का पालन भी हो गया, कंप्लायंस का पालन भी हो गया और हो गया, मुझे लगता है ये बिहेवियर का डार्क पैटर्न है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का डार्क पैटर्न है, ये आपको सरकारों को समाज को लोगों को उलझाने का डार्क पैटर्न है। हमारी कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने 13 डार्क पैटर्न आइडेंटिफाई किए हैं। मुझे लगता है सोशल मीडिया कंपनी जिस तरह से सरकार के साथ बातचीत करती हैं, ये एक और डार्क पैटर्न रखिए, ये बिहेवियरल डार्क पैटर्न है, इसको एड्रेस नहीं किया तो फिर कभी जवाबदेही नहीं मिलेगी। संक्षेप में दीपिका जी आगे हम क्या देख रहे हैं? अभी तो हम देख रहे हैं दो चार गाने वाने वायरल हो जाते हैं, एक आध चुटकियां लेने लगते हैं लोग, लेकिन देखना क्या बाकी है अभी। तो अभी जब हमने इम्यूनिटी की यहाँ पे बात की थी कि अगर इम्यूनिटी इनकी खत्म हो जाए तो प्रोसिक्यूशन में शायद वक्त लग सकता है, वो लगता आया है, पर पिछले साल ही हमने देखा था कि जब फिनटेक एप्स, लोन एप्स जितने भी गूगल प्ले स्टोर पे अपलेटेड थे, गूगल के ऊपर फाइन आया और उसके बाद इट केम ऑन द टेबल टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट टू टेक डाउन दीज एप्स, क्योंकि अगर ये फाइन्स नहीं लगाए जाएंगे, एक पुख्ता एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो ये ऐसे एक बिहेवियरल पैटर्न रिपीट होता रहेगा। दूसरा, हमने देखा है कि YouTube और जितने भी वीडियो अपलोडिंग साइट्स है, यहाँ पे हर टाइम वो चेक करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो फॉर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट बिफोर अपलोडिंग, तो क्यों ना उसी टेक्नोलॉजी को थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करके डीप फेक्स के लिए भी हम चेक किया जाए। तीसरा, मेरी दरख्वास्त रहेगी VPN कंपनीज के द्वारा भी, क्योंकि जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं उसमें फाइनल स्टेप होता है
कि प्रॉक्सी या वीपीएन का इस्तेमाल करके, फेक आईपीज का इस्तेमाल करके उससे अपलोड करें। वीपीएन कंपनीज जरूर लोगों की प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ध्यान रखती है, पर यहाँ पे हमने देखा है कि कुछ मुद्दों में उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट के साथ शेयर किए हैं जितने भी आईपी एड्रेसेस थे। तो अगर ये प्रिवेंटिव एंड प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजीज का हम थोड़ा सा ध्यान रखें, एक और एग्जांपल यहाँ देना चाहूंगी कि सोशल मीडिया कंपनीज, हमारा जितना भी मेटा डेटा होता है, जो कि डेटा जो इमेज या वीडियो में होता है वो एक्सट्रैक्ट कर देती है, अगर ये टेक्नोलॉजीज अभी एग्जिस्ट करती है और प्रैक्टिस में है, तो क्यों ना उसको थोड़ा और एक्स्ट्रापोलेट करके डीप फेक्स से लड़ने में भी सहायता, यानी कि लोहे को लोहे से ही काटिए, आप टेक्नोलॉजी से ही टेक्नोलॉजी के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालिए। बहुत अच्छा एग्जांपल, चर्चा तो बहुत लंबी करनी थी लेकिन वक्त की कमी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। अमित दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद, विराट जी थैंक यू सो मच, दीपिका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डीप फेक से सतर्क रहिए, कैसे रहना है ये हम वक्त वक्त पर बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।